अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम आपको ज्वेलरी दिखाएंगे अपनी, बहुत सारी है तो थोड़ी इसमें से एक्स्ट्रा निकालनी भी है, तो मैंने कहा वो दिखाऊँ कि कौन सी ज्वेलरी जो है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ज्वेलरी सारी अपनी, और हमने पहले सारी जगह कर ली एंड आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी ज्वेलरी क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिंग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत सारी रिंग मुझे बहुत पसंद है, ज्वेलरी भी मुझे बहुत ही पसंद है। और ये वाली वेयर करो सारी ज्वेलरी, पहले हमने सारी रिंग्स एक इस बॉक्स में कर लूँगी मैं, और ये वाला जो बॉक्स है ना ये मेरी पूरी ज्वेलरी का ही है, सारी में ज्वेलरी करूँगी। अब मैं मतलब एक जगह रिंग्स कर देती हूँ, एक जगह अपनी ज्वेलरी कर देती हूँ, बाकी जो है। अच्छा इसमें जो है ना मिरर लगा हुआ था, बट जब मिरर निकल गया ना तो यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा दी। अब जो मैं रिंग्स इस बॉक्स में ला दूंगी, सारी रिंग्स एक जगह कर देंगे। ऊपर करो, देखें ये भी कितनी प्यारी है, बहुत सारी रिंग है, सब हमें दिखाएंगे। और देखें ये भी बड़ी प्यारी रिंग है, सारी रिंग्स इसमें भी देखें, मिरर था तो निकल गया, या तो अब मिरर जब निकले तो उस वक्त ही ग्लू गन से आप फौरन लगा दें, वरना तो बेकार हो जाएगी आपकी रिंग। और ये देखें ये भी बड़ी प्यारी सी रिंग है, और जबरदस्त, इसमें बड़ा प्यारा वर्क हुआ हुआ है। देखिए ये तो मेरी फेवरेट है, ये दूर से ऐसा लगता है कि गोल्ड की है जबकि आर्टिफिशियल है। ये देखिए एकदम नाजुक सी, कितनी प्यारी लग रही है, नाजुक सी तो बहुत ही प्यारी लगती है, हालांकि हैवी बड़े खूबसूरत लगती है। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। ये ब्लैक ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, व्हाइट के साथ भी वे कर सकते हैं, बट ब्लैक वर्क होना चाहिए उस पर। और ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है, दूर से दिखाऊँ ये बहुत प्यारी है। अच्छा यहाँ पे जो है हमारी रिंग्स डन हो गई हैं, सारी मिल गई हैं मुझे। तो इसके बाद मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी, तो इयर रिंग्स और झुमके मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी हैं। बस आपको बताइएगा कि हमारी रिंग्स कैसी लगी हैं, बहुत सारी बताइएगा, सारी कैसी लगी। मैं इंशाल्लाह सारी वेयर करूँगी बहुत जल्द हर वीडियो में, बट ये जो है कुछ शादी, ये देखिए इस पर कितना प्यारा क्राउन बना हुआ है, और ये भी बड़ी प्यारी सी है ब्लू कलर की। और सारी रिंग्स आपने देखी, सारी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चलो मैं ज्वेलरी की तरफ बढ़ती हूँ, इयर रिंग और झुमकों की तरह सही टाइट कर देते हैं। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी झुमके हैं ये, और तो बहुत सारी वैरायटी है झुमकों की, और इतने प्यारे प्यारे से हैं। और ये ऐसे हैं कि आप शादी में, ईद पे या किसी इवेंट पे पहन सकते हैं। इसके बाद वर्क जो है वो बहुत प्यारा है। अच्छा ये भी बड़े प्यारे हैं, ये बड़े नाजुक हैं, या दावत वगैरह में वेयर कर सकते हैं, शादी में भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसके जो इसके 3 फ्लावर बने हुए हैं और बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस ये दो फूल दिखा चुकी हूँ मैं, ये तीसरा है, ये भी बड़ी ब्यूटीफुल सी, ये लॉन के सूट पे भी अगर आप चाहें दावत हो तो आप, ये पूरा सेट है ये देखिए ना, ये बड़ा प्यारा सेट है, इसकी बिंदिया भी है, तो बिंदिया पता नहीं इसी में होगी कहीं। और इसका ये देखिए नेकलेस है ना इसका, ये बहुत ही प्यारा है। और देखें ये बेचारा इसका पूरा छोड़ा हुआ था, ये टूट गया, मैं इसको वापस जोड़ूंगी, लेकिन ये ऐसे भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये बहुत प्यारा सेट है। और ये मैंने रिसेंटली शादी में वेयर किया था, ये बहुत प्यारा है। अच्छा जी ये देखें, ये मैंने अभी तक वेयर नहीं करी, मैं नई लाई हूँ, ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, इंशाल्लाह इसको मैं सोच रही हूँ कभी कोई शादी आएगी या तो उसमें, या ईद पे मेरा इरादा है, तो बड़ी ही प्यारी है ये, उसका चेन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये दो है, ये देखिए चेन कितनी प्यारी है, आप चाहें तो चेन भी अलग करके निकाल सकते हैं, इसमें ऑप्शन है चेन निकालने का, आप चाहें तो चेन ये देखिए निकाल सकते हैं ऊपर से, बट मैं दोनों ही साथ वेयर करूँगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर तो प्यारा है इसका, रिसेंट सा हम पहनते हैं, ज़्यादा तो गोल्डन ही पहनते हैं, लेकिन ये कलर जो है ना ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ये बहुत हैवी है। और ये देखिए जो चेन है ना इसने 4 चांद लगा दिए, ये देखिए मैं इसको रखती हूँ और बाकी और दिखाती हूँ।
ये देखें ये कितने प्यारे से हैं, एकदम हल्की सी और इतनी क्यूट लगती है मुझे, मेरी फेवरेट हैं। और ये देखिए इसके प्यार छोटा सा एकदम झुमके वाली फीलिंग आ रही है, ये आप पहन सकते हैं, कहीं आपको छानो तो पहन सकते हैं, वैसे घर में भी बड़ी प्यारी लगेंगी ये, कोई अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई रिलेटिव वगैरह आ जाए दावत हो किसी की, तो आप ये वेयर कर सकते हैं, बड़ा प्यारा है। और ये देखें ये भी मैंने अभी ईद पे और शादी में वेयर किया था, ये बड़े प्यारे हैं, सारी ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त है। और ये सेट निकला है एक मेरा, ये दो पेयर हैं और ये इसका सेट है, हार है इसका बहुत प्यारा, इसका वर्क जो है ना वो बहुत प्यारा है, यानी एकदम रीसेंट सा, बारीक बारीक इसमें जो है बीट्स लगे हुए हैं, और ये आराम से यहाँ से टाइट और लूज भी हो सकता है। और ये दो जो है इसका पूरा सेट है, और मैं इसको एक जगह करके रख दूँगी। अभी इतना फिल हो चुका है, अभी और भी शूट रही है, इसमें ऐड होगी। अच्छा जी ये देखें ये भी बड़ा ज़बरदस्त सेट है, इसकी जो टॉप्स हैं बड़े प्यारे प्यारे हैं, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये हार है, ये इसके साथ आप पहन सकते हैं, वैसे अलग भी पहन सकते हैं, इसमें भी ग्रीन है बट ये थोड़ा सा है उसके मुकाबले में हैवी है, इस पर नग ज़्यादा लगे हुए। और जो है ये भी एक और नेकलेस है, ये बहुत हैवी है, यानी हाथ में उठा तो भारी सा लगता है, अभी थोड़ा ना इसका कलर चेंज हो गया, वरना ये काफ़ी सालों से बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा मैं आपको बड़ी चीज़ दिखाऊंगी, वो है ये नथ, ये बहुत प्यारी नथ है, ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त है ये, इसमें ये जो ये मैंने प्रॉप्स के निकाल के ख़ुद लगाए हैं, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही थी, तो मैंने थोड़ा हैवी लुक आ जाएगा। अच्छा जी ये देखा नथ भी बड़ी प्यारी सी, बट थोड़ी सी उलझी है, सुलझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं कुछ और दिखाती हूँ। ये देखें ये टॉप्स हैं, ये भी इसी नेकलेस का पहन सकते हैं, ये बड़े प्यारे हैं, दोनों ज़बरदस्त हैं और एकदम परफेक्ट है, कहीं से टूटे भी नहीं हैं। ये ब्रेसलेट है बड़ा प्यारा सा, ये जो नेकलेस दिखाया था सारे टॉप्स हैं, और ये झुमके देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं, ये बहुत ये मेरे फेवरेट हैं, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास आए, यानी 2018 से हैं, जब भी इसकी थोड़ी हालत बस यहाँ से थोड़े से मोती इसमें निकल चुके हैं बस, लेकिन ये सही एकदम परफेक्ट है और बड़े प्यारे हैं, ये जब हल्के हैं पता नहीं चलता कि इसको पहनो, जैसे और मेरे पास ज्वेलरी वो भारी है बट ये इतने हल्के हैं पता ही नहीं चलता कि आपने वेयर करे हुए या नहीं किए हुए। और ये देखें ये सेट ही बहुत प्यारा है, ये रेड कलर में आप यानी शादी पर पहन सकते हैं इसको, और उसके जो टॉप्स हैं वो भी बड़े ब्यूटीफुल से हैं, बट थोड़े से ये हैवी है सेट, लेकिन ये अच्छा है, यानी इतना ज़्यादा कलर जो है ना इसका मुझे बहुत प्यारा लगता है इसमें रेड, यानी ऐसे सेट बहुत कम अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो कलर में मिलते हैं, ज़्यादातर आपको ऐसे मिलते हैं तो कलर करवाना पड़ता है या जो है ढूँढने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से जाके मिलते हैं। शेयरिंग एक ही रिंग निकल आई है अचानक से मुझे मिल गई है, तो मैंने कहा तो अच्छा जी ये देखें ये कितने प्यारे टॉप्स हैं, ये दोनों पूरा सेट है। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ कि जो टॉप्स था ना ये बेचारा भी दूसरा टॉप टूट गया, और ये देखें ये कितने प्यारे हैं हालांकि, लेकिन ये भी टूटा ना तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करा, मैंने इसकी बिंदियाँ बना ली, और जो है बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये। और ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये ब्राउन है और ये ब्लैक है, एक ब्राउन कलर मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ब्राउन में ले लिया और एक ब्लैक में ले लिया, उनकी चेन जो है मुझे बहुत पसंद आई थी, प्राइस तो बहुत ही रिजनेबल थे, ये मैंने ईद पे बाई कर रहे थे और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, और मैंने ये वेयर भी कर चुकी हूँ बहुत टाइम बाद, लेकिन पता नहीं चलता कि वेयर किए, इतने हल्के ये टॉप्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम नथनी होती वैसी लग रहा है, ये दोनों टॉप्स हैं, बालियाँ हैं ये, और ये तो मेरे फेवरेट हैं, ये मेरे पास कप्स हैं, और ये देखें ये कितनी प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं ये, ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट वाली में आती है ना तो बहुत ज़्यादा वेयर की होती है, यानी मैं देखिए ये सेट जो मैंने दिखाया था ना उसकी बिंदिया मिल गई है, और कितनी प्यारी है, छोटी सी एकदम बिंदिया, उसमें बिंदिया के साथ तीन लड़ियाँ भी दी हुई हैं, माथा पट्टी कह सकते हैं, छोटी माथा पट्टी
बड़ी प्यारी लग रही है। ऐसे ही झुमकी है ना, इसकी दूसरी हादसा हो गया, गुम हो गई, तो मैं ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसको फेंक देती हूँ। और देखिए ये रिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये रिंग और मज़ेदार चीज़ हाँ, ये मेरी फेवरेट चेन है। फिर मैं घर में वेयर करती हूँ तो मुझे मिली, तो मैंने कहा दिखाऊँ मैं आपको, बड़े प्यारे हैं इसके बीट्स, इसकी चेन है ये बड़ी प्यारी है, काली होने की टेंशन ही नहीं, क्योंकि काली है। ये देखें ये बालियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, चांद बालियाँ हैं, चांद बालियाँ, छोटे टॉप्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, घर में वेयर करती हूँ मैं, इतने प्यूट हैं ये। और ये पूरे ये देखें, ये दो हैं शुक्र, ये वरना खो जाते हैं, छोटी चीज़ें जो होती हैं जल्दी खो जाते हैं मेरे टॉप्स। और ये भी बड़े प्यारे हैं, बॉल वाले, हर यानी हर किस्म की ज्वेलरी है मेरे पास, बॉल हो, बालियाँ हों, छोटे हों। और ये देखें ये बड़ी प्यारी है, ये चेन है, जन्नत वेयर करती है, जन्नत की फेवरेट है, जन्नत ने बोला स्पेशल वीडियो में बता दो, मेरी दोस्तें देखती हैं तो उनको बताओगे, इतनी प्यारी लग रही है, तो मैंने क्या बता दूँ मैं, बड़ी प्यारी है, जन्नत की फेवरेट है ये। और ये देखिए इतनी प्यारी, ये मेरी फेवरेट है, ये एकदम ना गोल्ड की लगती है, लेकिन ये गोल्ड की नहीं है, आर्टिफिशियल है, सारी ज्वेलरी मैंने दिखाई है सब आर्टिफिशियल है, कोई गोल्ड की नहीं है। देखिए ये बड़ी प्यारी सी बालियाँ हैं, और ये मैंने 14 अगस्त पहनी थी, बड़ी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी सी हैं ये, क्यूट लगती हैं। और ये बिंदी है, ये भी सेट के साथ वेयर करें, पूरा सेट बना सकते हैं, खुद ही सब एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। और ये ब्रेसलेट है, बड़ा प्यारा है, ये तलवार वाला इसके है, ये है ना ये तलवार, देखिए बड़े प्यारा है ये, देखें बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये टॉप्स हैं, ये भी टॉप्स हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये आप चेन में डाल के वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप्स नहीं है, ये टॉप्स था, ये टूट गया, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। ये देखें ये एस का लॉकेट है, ये बड़े प्यारा है, ये भी वेयर कर लेते हैं जब दिल चाहे। देखिए जी ये देखें ज्वेलरी बॉक्स हमारे कंप्लीट हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि ज्वेलरी कैसी लगी, और इयररिंग्स हैं ये बड़ी प्यारी, ये भी बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको। और जो है फाइनल लास्ट चीज़ दिखा रहे हैं वो ये हैं चूड़ियाँ, बड़ी प्यारी हैं, और जन्म वेयर करके दिखाएगी आपको, बड़ी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, एकदम वर्ष है सब, बहुत प्यारे हैं, पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करें। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये चार हैं बड़ी प्यारी हैं। सारी चीज़ें आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।